अगली खबर है छतरपुर से। छतरपुर जिले के शासकीय अनुसूचित जाति जूनियर सीनियर कन्या छात्रावास घुवारा में इस समय भारी अनियमितताएं देखने मिली हैं। नगर परिषद घुवारा की अध्यक्ष गुड्डी जाहर सिंह ने शासकीय कन्या छात्रावास का निरीक्षण किया, जहां भारी अनियमितताएं मिलने पर अधीक्षिका को जमकर फटकार भी लगाई। आपको बता दें कि शासकीय कन्या छात्रावास में 100 छात्राएं दर्ज हैं। यहां पर छात्राओं ने बताया है कि हमारे लिए जो शासन द्वारा मेन्यू चार्ट भेजा है उसके मुताबिक कभी भोजन मिलता ही नहीं है। वही नाश्ते में अलग अलग दिन अलग अलग नाश्ता देना चाहिए, लेकिन इधर नाश्ते में केवल पोहा दिया जाता है और सही समय से पर्याप्त भोजन नहीं दिया जा रहा है। वहीं जो अध्ययनरत छात्राएं हैं उनसे भोजन बनवाया जाता है। कन्या छात्रावास में अध्ययनरत छात्रा दीपा अहिरवार, जिनका पूरा नाम है, उन्होंने बताया कि यहाँ पर भोजन की ठीक ठाक व्यवस्था नहीं है, नाश्ता भी सही से नहीं मिलता है, साथ ही हमारा पंखे भी खराब हो चुके हैं, जिससे रात को सोने के समय हम छात्राओं को बड़ी परेशानी से रात गुजारनी पड़ रही है। जहाँ हम लोगों में आराम होता है, उन कमरों की खिड़कियाँ टूटी हुई हैं। कई बार अधीक्षिका से कहा गया, लेकिन अभी कोई सुधार नहीं करवाया गया है। दीपा, आपके यहाँ नाश्ते में क्या मिलता है? नाश्ते में सुबह के टाइम पोहा मिलता है और शाम को 4 बजे चावल मिलते हैं, पीले चावल। तो और अलग अलग दिनों में नाश्ता का कोई इंतजाम रहता है? सुबह के टाइम पोहा सिर्फ हमेशा। अच्छा, खीर पूड़ी वगैरह नहीं, स्पेशल डाइट 1 महीने में मिलती है। अच्छा, क्या मेनू में है सर? स्पेशल डाइट होगी, अभी जन्माष्टमी को मिली। और पंखे कैसी, क्या खिड़कियाँ वगैरह? खिड़कियाँ टूटी हुई है, अंदर मतलब बिल्ली आ जाती है, खाना खा जाती है बिस्तर पे। पंखों से पर्याप्त हवा मिलती है आप लोगों को? नहीं, थोड़ी कम चल रही है।